में दुनिया में अपनी कदम रख चुके हैं। करणवीर एक पंजाबी फिल्म लव यू सोनिया में नजर आएंगे। इस फिल्म में करणवीर और उनकी पत्नी तीजे मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। जरा इस पिक्चर को देखिए, किस तरह एक पंजाबी लड़की ने अपने सोने को हाथ में उठाया है। इसे देख के तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक पंजाबी लड़की कितनी हिम्मत वाली होती है। लव यू सोनियो पंजाबी फिल्म है, फैमिली ड्रामा है और हमें बीइंग पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन हम आज तक मतलब काफ़ी ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स करते आए हैं और कई ऐसी स्क्रीनिंग्स की है जिसमें हमने टैलेंट को प्रमोट किया है। एंड जो उसके हीरो हीरोइन है दे आर वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स, करणवीर बोरा एंड टीजे सिद्धू। द बेस्ट पार्ट इज दैट आई डिड ग्लैडरैक्स मिसेज इंडिया अलॉन्ग विद टीजे सिद्धू। तो जैसे उनकी फिल्म रिलीज़ हुई तो मेरा दिल था कि हम कुछ ऐसा करें मिलकर कि मेरे फ्रेंड्स को प्रमोशन मिल सके। बट स्क्रीनिंग रखने से पहले एक बारी फिल्म देखने के बाद मुझे जो बहुत मज़ा आया, सो आई अनाउंस द स्क्रीनिंग एंड इट वाज अ बिग हिट। आप मानेंगे नहीं कि चारों तरफ से मुंबई से कितने पंजाबी और सिख कम्युनिटी के लोगों का मुझे फ़ोन आया दैट दे वॉन्ट टू अटेंड द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म। कोलीवाड़ा, चेंबूर, जूहू, सब जगह से लोग यहाँ पर आए और हॉल पूरा फुल है। ये एक प्यारी सी रोमांटिक पंजाबी स्टोरी है। इस फिल्म के हर एक सदस्य इस फिल्म के स्क्रीनिंग में मौजूद थे। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही अभिनेत्री तीजे सिद्धू से जब हम रूबरू हुए तो आइए देखते हैं कि उनका इस फिल्म को लेकर क्या कहना है। पहली पिक्चर है और ये पंजाबी पिक्चर है। हमने शुरू की रीजनल मूवी के साथ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मेरी इच्छा थी और मैंने सोचा करणवीर का 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसका क्यों ना फ़ायदा उठाएं। सो उन्होंने मेरे साथ एक्टिंग की, मान गए एक्टिंग करने के लिए। यू नो इसके बाद हमें रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला और ख़ास करके बॉम्बे में, बिकॉज यहाँ तो हम काम कर रहे हैं, यू नो इट्स बीन 10 ईयर्स इन द इंडस्ट्री हियर। पंजाब में तो पता है जो पंजाबी है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर यहाँ अगर लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, दैट वाज अनदर इशू। बट बहुत ही अच्छी गई इधर। एंड आज हमारा एक शो है विद पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन, उन्होंने पूरा शो बुक किया तो हमें पता नहीं था कि इतने सारे लोग पंजाबी इधर है मुंबई में, तो उन्होंने हमारी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। आई थिंक हमारा एडवांटेज है कि हम मुंबई रहते हैं और समटाइम्स जो रीजनल एक्टर्स हैं वहाँ वाले यहाँ ज़्यादा जान पहचान नहीं रहती उनकी, सो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है एंड इट वर्क्स इन आवर फेवर। सो वी आर होपिंग कि इस पिक्चर के बाद हम एक बॉलीवुड पिक्चर करें। वहीं अभिनेता करणवीर बोहरा ने भी दिया इस फिल्म के बारे में अपनी राय और जताई अपनी खुशी। मेरी पंजाबी में कहना चाहूँगा, मेरे जो ये ब्रदर इन लॉ, मेरे जो ब्रदर इन लॉज है, एक है रिकी, दूसरा है अरमिंदर मिन, ओके, और ये टीजे, ये तीन सिर्फ पंजाबी में बात करते हैं सीरियसली, ओके। और मुझे पहले मुझे बहुत इरिटेशन होती थी कि यार ये पंजाबी में क्यों, और पंजाबी क्यों गल कर रहे हैं। फिर मैंने समझ में आया कि पंजाबी एक फिल्म बनानी है तो बेस्ट चीज़ यही होगी होगी कि असी होगी कि असी इन्हों के नाल पंजाबी गल करें, राइट, करिए करिए। सो दे रियली हेल्प मी लर्निंग माई पंजाबी एंड मेकिंग इट व्हाट इट इज़ राइट नाउ। एंड दे एज़ दे सेड, आपको टीजे तो पंजाबी अच्छी आती नहीं होगी। ले पंजाबी दी माँ है, पंजाबियों दी माँ, रियली। Absolutely. इसमें कोई वायलेंस नहीं है, सिर्फ मस्ती, सिर्फ रोमांस, सिर्फ पार्टीज और कॉमेडी, फैमिली पिक्चर है। और एक सरदार के रूप में भी आया हूं मैं इस पिक्चर में। यस यस, आई थिंक ऑडियंस को ये बहुत अच्छा लगेगा कि ये पहली बार करणवीर ने कॉमेडी की है और रोमांटिक रोल बहुत बहुत अच्छा कर सकता है। देखिए बहुत, मतलब मैं पहली बार ऐसा कहूँगा कि एक शादीशुदा कपल एक साथ स्क्रीन पर आए हैं और लगता नहीं कि शादी, ऐसा लगता है कि मतलब लिटरली नोक झोंक होती है ना जो लवर्स में, एग्जैक्टली वैसी केमिस्ट्री है। सो इट्स अमेजिंग एंड सबको ने बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जैसे पोस्टर में आपने देखा है, yeah. मैंने इसको उठाया, हमारे कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं, बिकॉज ये कह रहा है कि नहीं हम फैमिली के बारे सोचते हैं, यू नो शादी धीरे धीरे करते हैं। मैं इसको कहती हूँ अगर तुम मानेगा नहीं, फैमिली नहीं मानेगी, तो मैं उठा के ले जाऊँगी। उम्मीद करते हैं कि आपकी यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आएगी और आप आगे यूं ही अपने कार्य करते रहें।